जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि हमारा कितना नंबर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकता है, क्योंकि आंसर किए आने के बाद लगातार भाई एक ही कमेंट कर रहे हैं कि हमें नॉर्मलाइजेशन का कितना बेनिफिट मिलेगा, हमारे शिफ्ट में हमारे डेट को जो भी एग्जाम हुए हैं उनको कितना बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपने फिजिकल को भी तैयार करेंगे। तो देखिए, मैं आपको सिर्फ एक ही भाषा में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जितने भी वेबसाइट हैं जिनको बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किसी को 25 नंबर दिया जा रहा है, किसी को 22 नंबर दिया जा रहा है, तो इतना ज़्यादा अगर नॉर्मलाइजेशन इस बार होता है तो इसका मतलब यही निकलता है कि सारी भर्ती अब की बार किस्मत के भरोसे ही निकल जाएगी। आप मेरी बात को ध्यान से नहीं समझेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अगर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे 20 से 25 नंबर का हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि कितने लोग ऐसे होंगे जो कि पढ़ने में बहुत तेज होंगे, अच्छा खासा नंबर लाने के बाद, जो कि अपने मेहनत से वो 130 प्लस करके आए हैं, लेकिन अगर जो मेहनत नहीं भी किया है, अगर वो यहाँ पर 105 नंबर लेकर आया है और उसको नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर 25 नंबर मिल गया, तो जो मेहनत किया है वो उसका 130 प्लस है और जो मेहनत नहीं किया है उसका भी 130 है। इसका मतलब ये है कि जो कम पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका नंबर कम है उनका भी सिलेक्शन इस बार हो जाएगा और जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इस प्रकार से इस बार अब की बार ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, IQ रैंक करके एक वेबसाइट है, ठीक है, और यहाँ पे एक मित्रा करके वेबसाइट है, और साथ में RW एक तरफ से बताया गया है सारी चीज़ें, इन सभी को देखने के बाद यही लगता है कि अगर इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन इस बार होता है तो आखिर सिलेक्शन किसका होगा, फिर पढ़ने वाले का या फिर नहीं पढ़ने वाले का होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये निकलेगी कि जिसको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा वो तो होगा ही नहीं, इसका मतलब है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिल रहा है, लेकिन आप इसके पीछे बिल्कुल परेशान मत होइए। आपका कितना भी नंबर बन रहा हो, आप सभी यहाँ पे अपने फिजिकल की तैयारी को शुरू कर दीजिए। अगर आप फिजिकल तैयार रखेंगे तो आगे का रास्ता भी आप सबके लिए साफ होगा, क्योंकि किसी को भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज़्यादा दिया जा सकता है और किसी को भी अब यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि इसका जो ट्रेलर है आप सभी देख ही रहे होंगे काफ़ी सारे यूट्यूबरों के चैनल से, या फिर काफ़ी सारे आप सभी देखे भी रहे होंगे कितना नंबर किस शिफ्ट को मिलने वाला है। किसी में बताया जा रहा है कि 30-30 नंबर भी मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। देखिए, 30 नंबर मतलब अगर बात करें, अगर कोई बच्चा यहाँ पे 100 नंबर ही किया है, मतलब 50 क्वेश्चन कर करके चला आया है, अगर उसको 30 नंबर मिल जाता है तो इसका हो जाएगा यहाँ पर टोटल 130 नंबर। और 130 नंबर का मतलब यह है कि वो बच्चा फिजिकल के लिए और मेडिकल के लिए जाएगा, ठीक है, फाइनल में नहीं बोल सकता लेकिन फिजिकल और मेडिकल के लिए वो जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस बार देखने को मिलेगा, किसके साथ क्या हो सकता है ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी जो आपका कर्तव्य बनता है वो बनता है फिजिकल की तैयारी। तो फिजिकल की तैयारी अगर आप सभी तैयार रखेंगे और आप सबको अगर फिजिकल के लिए बुला लिया गया तो आप भी फिजिकल देने जाओगे तो फिजिकल पास कर लोगे। चलो मान लेते हैं आप सोच रहे हो हमारा यहाँ पर 110 नंबर है तो मैं तैयारी क्यों करूं और मेरा तो होना ही नहीं है। अगर मान लो रिजल्ट आ गया नॉर्मलाइजेशन में, आप सबको यहाँ पे 20 नंबर मिल गया तो आपका हो गया 130 नंबर, ध्यान दीजिएगा 130 नंबर आपका हो गया और आपको यहाँ पर बुलाया गया फिजिकल के लिए। अभी आप फिजिकल भी नहीं तैयार किए हो तो फेल हो जाओगे फिजिकल, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो इसलिए जो आपके हाथ में है आप सभी को करते रहिए, ठीक है, बाकी जो कुछ होगा वो समय आएगा उसमें पता चल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। अब बात कर लेते हैं क्या स्टेट की कट ऑफ में काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा, तो मिलेगा। अगर आप 5 स्टेट्स आते हैं जिनकी कट ऑफ यहाँ पे हर बार हाई देखने को मिलती है, अगर आप उन स्टेट्स से हैं तो आपका अगर यहाँ पे 105 बन रहा है तो आप सभी फिजिकल तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट आपको दिया जाएगा, ठीक है। 105 पर ही आप सभी यहाँ पे फिजिकल तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना नंबर मिलेगा किसी को नहीं पता है, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर आप उन 5 स्टेट से नहीं आते जिनकी कट ऑफ यहाँ पे कम जाती है, उनके लिए मैं बता दूँ उनको भी नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। उनको मैं बताऊँ अगर उनका 60 नंबर बन रहा है तो वो भी अपने फिजिकल की तैयारी को यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप सभी को 2 नंबर भी मिल सकता है और 20 नंबर भी मिल सकता है, कुछ पहले से यहाँ पे फिक्स नहीं होता। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, जाकर आप सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं आप सभी को सारी जानकारी समय समय पर देता रहता हूँ, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि अभी हमको करना क्या चाहिए, तो अभी आपको करना क्या चाहिए, आपको फिजिकल की तैयारी यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। अभी मैं जो बता रहा हूँ 105 नंबर वाले वो किन स्टेट के हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप UP के हैं, ठीक है, अगर आप बिहार के हैं या फिर आप सभी
राजस्थान से हैं या फिर आप सभी दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, ठीक है, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप सभी यहाँ पर, अगर 105 बन रहा है, 1 2 3 4 5, अगर आपका 105 बन रहा है तो आप सभी यहाँ पे अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए आगे का, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलकर आप सभी को फिजिकल के लिए यहाँ पर बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर आप सभी इन 5 स्टेट को छोड़कर बाकी किसी भी स्टेट से हैं तो आपका यहाँ पर अगर 60 नंबर बन रहा है, 70 नंबर बन रहा है, तो भी आप सभी यहाँ पर फिजिकल की तैयारी को कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप सभी फिजिकल तैयारी ना करो और आप सबका नाम जो है फिजिकल में आ जाए तो आप सभी तब भी फेल माने जाओगे, तो इसलिए आपके हाथ में जो है आप सभी उसे करते रहिए रेगुलर, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।